नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीरोधा काइट में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट लाइव प्रोसेस। अकाउंट ओपन करने से पहले हम आपको बता दें, जीरोधा एक वन ऑफ द बेस्ट डीमैट अकाउंट है जिसमें सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसका इंटरफेस, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही आसान इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आप पीसी में यूज़ करते हो तो भी आपको इसका इंटरफेस है वो बहुत ही आसान देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा लोग इसी की वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है और इसके अलावा इसमें ब्रोकरेज चार्जेज है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो यदि आप भी जीरोधा काइट में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है। आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है, इसका कंप्लीट लाइव न्यू प्रोसेस हम मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आपको क्लिक करना है। आपको डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पेज पे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, जो ये बॉक्स दिया गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे में जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको योर डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे आपकी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है और आपका जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल इस ऑप्शन के माध्यम से भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस पर भी एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिया गया है लेट्स स्टार्ट विथ योर पेन, यानी आपको अपने पैन कार्ड डिटेल्स के साथ में आपको यहाँ पे इस पेज को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में एंटर कर देना है। उसके बाद में नीचे में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों पे अकाउंट ओपनिंग फीस। यदि आपको यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको अकाउंट ओपनिंग फीस 200 रुपी है वो पे करना होगा। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग है वो फ्री नहीं है दोस्तों। जीरोधा जो देश का नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर है, इसमें आपको 200 रुपये का अकाउंट ओपनिंग फीस है वो पे करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो सेगमेंट दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि आप इक्विटी, FNO, करेंसी, कमोडिटी, इनमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन पर आपको चेकआउट ही रहने देना है। यदि आपको यहाँ पे जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यदि आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो इनको आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। या यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे चेकआउट करते हो तो आपको यहाँ पे नीचे में दोस्तों आपको आगे में इनकम प्रूफ है वो अपलोड करना रहेगा। तो आपको आपके पास में बैंक स्टेटमेंट वगैरह है तो आपको यहाँ पे सभी पे क्लिक कर लेना है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सभी ऑप्शंस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 200 रुपी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी माध्यम से आपको ये जो पेमेंट है वो करना होगा। तो हम यहाँ पे UPI के माध्यम से 200 रुपी पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हमने सक्सेसफुली अकाउंट ओपनिंग फीस 200 रुपी है वो पे कर दी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार KYC ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको आपको यहाँ पे आधार KYC कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू टू DigiLocker के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी आधार KYC DigiLocker के थ्रू आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपके मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है, उस पर OTP सेंड किया जाएगा और उसके माध्यम से आपकी जो KYC है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार नंबर इस बॉक्स में एंटर करना है और आपको यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके आधार के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए अलाउ का जो ऑप्शन दिया गया है आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी KYC है वो DigiLocker के थ्रू डायरेक्टली सक्सेसफुली हो चुकी है दोस्तों। आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाता है जिसमें आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो योर प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है, इसमें सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस पूछा गया है। यदि आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फादर्स नेम पूछा गया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद में मदर्स नेम,
फर्स्ट नेम एंटर करना है और उसके बाद में मदर्स का लास्ट नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको एनुअल इनकम पूछा गया है। तो इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एनुअल इनकम बिलो 1 लाख, यदि आपका इनकम 1 लाख से कम है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है, यदि आपका इनकम 1 लाख से 5 लाख है तो इनमें से आपको कोई भी इनकम रेंज है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे भी आप इस पर क्लिक करोगे वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वंस इन ए कैलेंडर मंथ। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका जो भी डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड किया हुआ रहेगा तो इसका सेटलमेंट का दिया गया है, यानी आप उन पैसों को विड्रॉ नहीं भी करते हो तो जैसे ही आपका क्वार्टर सेटल क्वार्टर पूरा होता है, जैसे 3 महीना कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका पैसा रहता है डीमेट अकाउंट में वो आपका ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यदि आप कोई भी बाई सेल वगैरह नहीं करते हो तो आप इनमें से अपने हिसाब से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे में ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है, यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे 1 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, नए हैं तो आप लोग यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में ऑक्यूपेशन का ऑप्शन दिया गया है, ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जैसे कि आप एग्रीकल्चर, बिजनेस, फॉरेक्स डीलर, गवर्नमेंट सर्विस, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जो भी आप लोग हैं जैसे कि स्टूडेंट, अदर्स, तो इनमें से जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यानी आप जो भी काम करते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे पूछा गया है आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यदि आप राजनीति से संबंधित है तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में यस पे क्लिक करना है, यदि आप यहाँ पे इसके अलावा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है तो हम यहाँ पे इस पे नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको लिंक बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करना होगा, जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक करोगे उसी बैंक अकाउंट से पैसा ऐड किया जाएगा और उसी बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉ किया जाएगा, अन्य किसी भी बैंक अकाउंट में आपका पैसा विड्रॉ नहीं किया जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक करोगे उसी बैंक अकाउंट से पैसा ऐड होगा और उसी में विड्रॉ होगा। तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट यहाँ से आपको ठीक तरीके से फिल करना है, तो सबसे पहले आपको ब्रांच का आईएफएससी कोड एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रांच आईएमआईसीआर कोड है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिया गया है आएगा, आप यदि बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक डिटेल्स है वो एंटर कर दी जाएगी। तो आपको आईएफएससी कोड और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, ये दोनों चीज़ें आपको ठीक तरीके से फिल करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करने के बाद में नीचे में आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, चेक बॉक्स दिए गए हैं, इन सारे बॉक्स में आपको चेकआउट कर देना है। जो भी आपको यहाँ पे बॉक्स दिए गए इनमें आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री कर लेना है, जो भी जीरोदा की टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद में नीचे में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे वेबकैम वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यदि आपको आईपीवी वीडियो रिकॉर्ड करना होगा इसके लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पे एक फोटो दिया गया है, लेडीज़ का फोटो दिया गया है, इस तरीके से आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा तो आपको एक वाइट पेपर लेना है और उस पर आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं ये नंबर आपको उस वाइट पेपर पे एंटर करना है। दोस्तों आपको वाइट पेपर पे जो नंबर दिए गए हैं वो लिख के और आपको फोटो अपलोड करना होगा, जैसे ही आप लोग फोटो अपलोड कर देते हो उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ में ऑप्शनल दिया गया है, यदि आप इनकम प्रूफ अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से इनकम प्रूफ है वो अपलोड कर सकते हो। इसमें आपको सेलेक्ट प्रूफ टाइप में आपको क्लिक करना है, आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, यदि आपके पास में बैंक स्टेटमेंट है तो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, लेटेस्ट सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो, आईटीआर कॉपी अपलोड कर सकते हो, फॉर्म 16 यदि आपके पास में है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो नेटवर्थ का, इसके अलावा यदि आपके पास में डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी शेयर खरीदे हुए हैं तो उनका होल्डिंग स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो इस ऑप्शन को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो। इसके अलावा नीचे में आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने का, तो आपको अपने मोबाइल में ऑलरेडी सिग्नेचर का जो पिक्चर है वो आपको कैप्चर करके रखना है और उसको आपको यहाँ पे अपलोड
कर देना है। नीचे में आपको आपको यहाँ पे कॉपी ऑफ पेन का ऑप्शन दिया गया है। आपका पेन कार्ड है दोस्तों, उसका फ्रंट साइड का जो भी फोटो है उसको फोन में कैप्चर करके रखना है और उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में ये जो डिटेल्स आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद में नीचे में जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने हमें ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपके सामने नॉमिनी का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहो तो किसी को भी यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हो। नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो नीचे में आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्लिक करके और आप फैमिली में से किसी को भी नॉमिनी ऐड कर सकते हो। यदि आप नहीं करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे स्किप फॉर नाउ इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, बाद में भी आप लोग नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। तो सब फिलहाल हम यहाँ पे स्किप करते हैं इस ऑप्शन को। उसके बाद में लास्ट स्टेप में आपको ई साइन इन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे ई साइन का जो ऑप्शन दिया गया है ब्लू कलर में, आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे NSDL का जो भी ई साइन इन पेज है उस पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू ई साइन इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको नीचे में साइन नाउ का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो आपको यहाँ पे पेज देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये आपका अकाउंट ओपनिंग पेज दिया गया है, तो इस पेज को आपको चेक कर लेना है और आपको साइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे NSDL के ई साइन इन पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पेज पे आने के बाद में सबसे पहले ये जो चेकबॉक्स दिया गया है आपको यहाँ पे चेकआउट कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिया गया है इसमें आपका आधार नंबर एंटर करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है उस पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका OTP वेरीफाई होने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे में एक फिनिश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का पेज देखने को मिलेगा और आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना होगा। यानी आपका जो भी एप्लीकेशन है दोस्तों जीरोधा की टीम की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपकी सारी डिटेल्स ठीक तरीके से पाई जाती है तो आपको 24 से 48 घंटे में आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस पे यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। उसके माध्यम से आपको जीरोधा काइट एप्लीकेशन में लॉग इन कर लेना है और उसके बाद में आपको शेयर बाय सेल है वो करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपल तरीके से जीरोधा में आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जीरोधा में आप लोग शेयर कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। सीखते रहो, कमाते रहो और खुश रहो।